शनिवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 68 केंद्रों पर 10,125 व्यक्तियों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के 7,195 तथा 45 साल के ऊपर के 2,930 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,394 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,711 लोग शामिल रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले देवेश कुमार और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, किया हुआ है अभी तक कुछ भी नहीं दे रहा है। होटल का मेरा स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है। होटल का स्लॉट क्यों नहीं बुक हो रहा है? एक महीने से परेशान है। देवेंद्र कुमार गुप्ता बुलानी बाजार से आए। आज आपने वैक्सीन लगवाया, कोई दिक्कत किसी तरह का परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हमारे घर में सबको वैक्सीन लग चुका है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं? रजिस्ट्रेशन तो पहले कर लिए थे, सबको बारी बारी लगवा रहे हैं। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा रही है, सरकार के बारे में क्या? सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है और वैक्सीन तेज़ी से हो रहा है। मैं मतलब हमारे घर में 5 लोग हैं, मतलब 4 लोग का वैक्सीन लग चुका है, बुकिंग हो रहा है। आज 68 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 अभिभावक स्पेशल केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और हमारी अर्बन बीसी बसंतपुर में चल रहा है। बाकी 42 सेंटरों पर हमारा 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन रहा है और 45 प्लस के लिए के विशेष पर 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है। 18 प्लस के लिए पोर्टल पर इंटर और स्लॉट बुक करना कंपल्सरी है। इनकी स्लॉट है कहाँ उनका वैक्सीनेशन होना है, किस जगह पर होना है, किस दिन होना है, किस समय होना है, ये पोर्टल से पता चल जाता है। तो पब्लिक जो है उसी तरह से आ रही है। 45 प्लस के लिए पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी तरह से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो खासकर 45 प्लस वालों के लिए केंद्र पर ही, टीकाकरण केंद्र पर ही छूट दी गई है कि वहां जाकर के अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और पोर्टल प्रिंटर हो जाएगा। सर लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से हमारी अपील है कि हम कोरोना की सेकंड लहर को ऑलमोस्ट परास्त कर चुके हैं। इसमें विभाग के साथ साथ पब्लिक का भी, जनता का भी सहयोग है, जिन्होंने कोरोना नियमों का पालन किया और बाहर लोग नहीं निकले और जब भी निकल रहे तो मास्क लगा के निकले। तो यही हमसे हमारी अपील है कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं और जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और बीच बीच में अपना हाथ धोएं, जिससे कि कोरोना को पूरी तरह से समाप्त कर सकें।